जब भी आप गूगल में कुछ किसी कंपनी का नाम सर्च करें तो आपको कुछ इस तरह से रिज़ल्ट मिलता है जिसमें आपको वेबसाइट और नीचे कुछ लिंक्स जबकि राइट साइड पे एक पैनल मिलता है जिसमें उसकी मजीद डिटेल्स होती हैं इस वक्त मैंने विचो यूनिवर्सिटी का नाम सर्च किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका वैसे तो रिज़ल्ट आ ही रहे हैं गूगल में यू भी आ रहा है नीचे मैप भी आ रहा है लेकिन उसके राइट साइड पर अगर आप देखें तो पैनल में विश्व यूनिवर्सिटी का लोगो कुछ एमजेस और नीचे कुछ डिटेल्स आ रही हैं तो ये ये जो राइट right साइड का पैनल है बेसिकली इस पैनल को नॉलेज ग्राफ भी बोलते हैं और नॉलेज पैनल भी बोलते हैं तो so, दो डिफरेंट तरह के टर्म्स हैं इसमें थोड़ी सी कम्प्लैक्सिटी है लेकिन आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ये वो एक्स्ट्रा इन्फॉमेसन है जो गूगल चाहता है कि वो आपको प्रोवाइड करे आपकी वेबसाइट के ऊपर ही सॉरी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही जहाँ पर सर्च में आपने सर्च किया तो so, ये कैसे आता है ये डेटा ये भी ये डेटा भी मुख्तु जगहों से आता है अक्सर गूगल ये डेटा विकीपीडिया से उठाता है या दूसरी इंसाइक्पीडिया से उठाता है अक्सर गूगल के पास खुद डेटा होता है जिसमें फॉर एक्जाम्पल अगर आपने गूगल मैप्स पर लिस्टिंग नहीं हुई है तो आपको गूगल मैप से मैप और दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं लेकिन अक्सर ये डेटा वेबसाइट से भी उठाया जाता है तो गूगल इस पूरे पैनल को डेडिकेट करता है आपके ब्रांड को इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा मुफ्त में ब्रांडिंग आपको नहीं मिल सकती ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोग इसको मिस करते हैं लेकिन अगर आप कोई नाम सर्च करें और आपका ये पैनल नहीं शो हो रहा तो आप मिस कर रहे हैं इसको हासिल करने के दो तीन तरीके हैं लेकिन उन दो तरी उनमें सबसे मेजर जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर बिजनेस का स्कीमा टैग लगाना बहुत ज़रूरी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बिज़नेस का स्कीमा टैग लगाकर लेकर आप विश्व यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा सकते हैं जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने विश्व यूनिवर्सिटी का स्कीमा चेक किया था इस पर कोई स्कीमा नहीं लगा हुआ था मैं दोबारा से इसको आपके सामने टेस्ट रन करता हूँ और हमें अभी नज़र आ जाएगा कि इसका कोई स्कीमा नहीं लगा हुआ इसका आसान तरीका ये है कि हम गूगल में जाकर एक स्कीमा टैग जनरेटर सर्च कर लेते हैं आपको ये नेट पे मिल जाएंगे इसको सर्च करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूल मिल जाएंगे मेरा एक फेवरेट टूल है जो कि एस सी चैट ने लॉन्च किया है ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप अपना देख सकते हैं कि आपको कोई और अच्छा लगता है कि नहीं तो so, अभी मैं एस सी चैट के टूल को ओपन करूँगा और अब चूँकि मैंने यहाँ पर बिज़नेस का स्कीमा लगाना है यहाँ पर मैंने गूगल को ये बताना है कि मेरी वेबसाइट पर ये बिज़नेस है विशो यूनिवर्सिटी और एक एजुकेशनल बिजनेस है तो आप इसको वैसे ही दिखाएँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको स्कीमा जनरेट करूँगा इसका जैसे आप एस सी ओ चैट के इन टूल्स की वेबसाइट के ऊपर आएंगे यहाँ पर आपको शायद काफ़ी टूल्स नज़र आएँ या हो सकता है किसी एक टूल के ऊपर डायरेक्ट भी लैंड कर लें मुझे असल में इसकी इस ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन रिश्स स्कीमा जनरेटर वाले टूल पे जाना है और मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन रिश्प स्कीमा जनरेटर इसका नाम है और आप ये भी देखेंगे कि नीचे ये बेसिकली स्कीमा डोट हुआ जिसलिए ऑर्गनाइजेशन का इसमें स्कीमा लगाएगा आप अगर चाहें तो आप यहाँ से डाउन में मुख्तफ स्कीमा लगा सकते हैं लेकिन अभी हमने बिजनेस का स्कीमा जनरेट करना है और अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप वहाँ से गेट भी कर सकते हैं लेकिन चूँकि मैंने नया स्कीमा जनरेट करना है तो मैं यहाँ से नीचे आकर नया स्कीमा टैग जनरेट जनरेट करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा टाइप में और मैं बताऊँगा कि मेरा चूँकि विश्व यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एक, एक यूनिवर्सिटी है मैं एजुकेशनल कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा यहाँ पर आप बेसिकली अपनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखिएगा ताकि गूगल आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर दें अगर आपका पोस्टल कोड है तो ठीक है नहीं तो उसको आप छोड़ दें नाम इसका लिखेंगे आप विच यूनिवर्सिटी जो आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर जाएगा उसके बाद अपनी वेबसाइट का आप जेल देंगे मैंने पहले ही कॉपी किया हुआ था तो वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसका एड्रेस भी मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो यहाँ लिखेंगे पी ओ बॉक्स आपके लाहौर का फाइव आप अपने शहर का या उस उस बिजनेस के शहर का लिखेंगे अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं वेबसाइट अगर पाकिस्तान से बाहर किया तो आप उसका सारा डेटा लिखेंगे और जब आप डेटा फिल करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कोड्स का टैग पे क्रिएट क्लिक करेंगे और ये लोड हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखें सब कुछ डेटा वहीं का वहीं है उसने मुझे नीचे ये स्कीमा के टैग जनरेट कर दिए हैं और अब ये स्कीमा टैग मैं अपनी वेबसाइट पे कॉपी कर सकता हूँ अगर आपको खुद पता है कैसे करना है तो आप खुद कर लें नहीं तो आप डेवलपर से भी कह सकते हैं डेवलपर को शायद इसकी ज़रूरत भी ना हो लेकिन अगर आप ये खुद करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक आसान टूल है मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और आपको लाइव दिखाने के लिए कि ये काम करता है अब चूँकि मुझे पता है कि मैं विश्व यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अभी तो एडिटिंग नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास ये कोड इसका आ चुका है मैं गूगल को इस कोड में अपना स्कीमा ऐड करके ये पूछ लूँगा कि क्या अगर जब ये मेरे कोड में लग जाए तो क्या ये चलेगा कि नहीं सो so मैं इसको एहतियातन सबसे एंड पे लिख रहा हूँ ताकि कोई कोड ब्रेक ना हो जाए यहाँ पर मैं अपना कोड कॉपी करके पेस्ट करूँगा और आप अभी देखेंगे जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है और मैं इस टेस्ट को यहाँ से वैलिडेट दोबारा करूँगा अब मैंने चूँकि स्कीमा टैग ऐड कर दिए हैं तो आप देखेंगे कि राइट साइड में गूगल ने फ़ौरन मुझे बता दिया कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा मिला है जिसमें तो डिस्क्रिप्शन टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है उसमें यू आर एल उसको एक वेबसाइट का मिल गया उसमें फिर उसने नेम उसका यूनिवर्सिटी विश्व यूनिवर्सिटी नाम पढ़ लिया उसके बाद उसका एड्रेस पढ़ लिया और कंट्री पढ़ लिया और जब भी अब ये लाइव वेबसाइट में आप ऐड करवाएंगे डेवलपर से तो जब गूगल में कोई सर्च करेगा इसका नाम यूनिवर्सिटी का तो उनको एक्चुअली गूगल दिखा सकेगा कि बेसिकली इसका एड्रेस क्या है सब चीज़ें क्या हैं जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने आपके सामने लाइव विश यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस का स्कीमा टैग जनरेट किया है आपको बहुत सारे टैग जनरेटर मिल जाएंगे उसमें बहुत सारी स्कीमा ख़ुद जनरेट कर सकेंगे लेकिन अगर वेबसाइट बड़ी है और वेबसाइट ज़्यादा टेक्निकल है और आप एडिट नहीं कर सकते तो ये आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन अगर आपके पास डेवलपर की सहूलत मौजूद है तो आपको शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन ये एक लाइव एग्जाम्पल थी कि किस तरह से गूगल ने सेम वेबसाइट को कुछ भी नहीं पढ़ा था लेकिन बाद में हमने स्कीमा टैग ऐड किया उसने बेसिकली उसको समझना शुरू कर दिया कि ये एक यूनिवर्सिटी है इसका नाम विश्व यूनिवर्सिटी है और इसके बाद इसके डिटेल्स हैं नंबर भी है उसमें एड्रेस भी है ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं स्कीमा डॉटो आजी से आप इसकी इंफॉर्मेशन मजीद देख के मजीद इनहेंस भी कर सकते हैं और ये एक कैटेगरी थी आपका बिजनेस है क्लिनिक है आपकी वेबसाइट है जो भी है आप अपने बिजनेस की डिटेल इनहेंस करके अपनी वेबसाइट पर जरूर डालें ये टूल आपको हेल्प करेगा इसके अलावा आपको डेवलपर भी हेल्प कर सकते हैं